नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 News। SPN 9 News में आपका स्वागत है। कांग्रेस की 137वीं स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रगान से पहले पार्टी का झंडा फहराने के लिए पोल से बंधी रस्सी को खींचा, लेकिन झंडा अचानक से सोनिया गांधी के हाथों में आकर गिर गया। ऐसा रस्सी से झंडा ठीक तरीके से नहीं बनने की वजह से हुआ। इसके बाद बिना झंडा फहराए ही पार्टी नेताओं की तरफ से राष्ट्रगान गाया गया। उसके बाद झंडा लगाने के लिए पोल पर चढ़ने के दो बार कोशिश नाकाम रही। फिर दूसरा छोटा सा पोल लगाया गया और सीढ़ी लगाई गई। काफी कोशिशों के बाद पोल पर झंडा लगाने में कामयाबी मिल ही गई। सोनिया गांधी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संभव संघर्ष कर पार्टी को मजबूत बनाना है। इस संकल्प के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे प्यारे देशवासियों और कांग्रेस के जानबाज साथियों, आज हम सब 137 साल पुरानी अपनी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े व्यापक रूप से मना रहे हैं। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसी बीच बता दें आपको कि इस तरीके से झंडे के गिरने के ऊपर विपक्षी पार्टियों के भी तंतु कसने थोड़ी देर में ही शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को और सत्ता पार्टियों को एक मौका चाहिए कांग्रेस की तरफ से किसी गलती का। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 News के साथ। धन्यवाद।